हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है हमारा विष्णु बिया मणिपुरी का विशु बोलते हैं जो विशु है, तो इसका प्रिपरेशन अभी हम चल रहा है, हमारे घर में चल रहा है। तो आप देखते रहिए हमारा ब्लॉग। तो जैसे कि आज विशु है तो हम वेराइटीज़ खाना पकाएंगे। आज सब वेज होगा, हम नॉन वेज आज के दिन नहीं पकाते हैं। इवन देन हम लोग प्याज लहसुन कोई भी फिश वह सब हम यूज़ नहीं करते हैं, सारा वेज का आइटम्स बनाएंगे। आप देखते रहिए हमारा ब्लॉग। तो आज हम बनाएंगे ये है पम्पकिन जो हम लोगों ने रेडी करके रखा है, और ये एक फ्लावर है जो हम बॉकफुल बोलते हैं, इसका पकोड़ा बनाएंगे। और ये है ब्रिंजल और इसका भी फ्राई करेंगे। और ये है तीता करल बोलते हैं, ये भी हम बनाएंगे। फिर ये है स्टिक, ये भी हम यूज़ करेंगे खाने में। और ये है नीम का पत्ता जो धो के सुखा लिया है हम लोगों ने, ड्राई करके फिर वो फ्राई करेंगे। और ये मणिपुरी का चिंचू बोलते हैं, यहाँ पे वैराइटीज वेजिटेबल जो है पत्ता है वो सब यूज हुआ है। और इधर चने भी है, चना का भी एक दल बनाएंगे। और ये मणिपुरी नन्नम है, ये भी हम इधर यूज़ करेंगे। और ये है मिर्च, और ये है पुदीना, ये सब हम यूज़ करने वाले हैं आज। ये और एक सब्जी का आइटम जो रेडी करके रखा है हम लोगों ने, ये हमारे मणिपुरी में सकलखोय बोलते हैं, सकलखोय, और इसमें थोड़ा आलू भी डाला है हमने और मिर्च। और ये है चिंचू। आज का ब्लॉग में आप देखते रहिए क्या क्या पक रहा है। ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया है, अभी हम इसमें कुकर में बिठाएंगे ये माटी जाली बोलते हैं इसे, हम सकल को ही बोलते हैं विष्णु बिया मणिपुरी में। तो ये हम डालेंगे अभी, ये हम दाल चढ़ा दिया है, सकल को चढ़ा दिया है। और अभी सिटी आने तक हम थोड़ा वेट करेंगे, तब तक हम थोड़ा दूसरा काम भी कर लेते हैं। इधर मैंने चावल बिठा दिया है इसमें, और इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के इसका हम पकौड़ा बनाएंगे। काली दाल यहाँ पे खोटे करेंगे, यहाँ पे हमने डाला है पाँचफूरन और लहसुन और तेजपत्ता डाला है। और अभी हम यहाँ पे पम्पकिन फ्राई करेंगे, तो हम कर रहे हैं पम्पकिन को फ्राई। और यहाँ पे चावल उबल रहा है, हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी मिठास के लिए। ये हम बनाएंगे आज काली दाल का पकोड़ा, तो इसमें काली दाल है, मिर्च है, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमने ग्राइंड कर लिया है, अभी ये देखिए पूरा पेस्ट हो गया है। अभी हम यहाँ पे काली दाल का सोटे करेंगे, यहाँ पे तेजपत्ता डाला, तेल डाला, और ये सूखा मिर्च, लाल मिर्च को जला मसी ड्राई मिर्च, और ये हमने लहसुन डाल दिया है। ये हम निकाल के रखा है, इससे हम वो मेथा बनाएंगे आलू का, आलू का मेथा बोलते हैं। और ये है पाँचफूरन, इसमें हम दूध है, दूध थोड़ा डाल दिया है यहाँ पे, ये डालने से और भी टेस्टी होता है।
इसमें हम डाले हैं ड्रमस्टिक डाला, नमक और अदरक डाल के ये लगभग रेडी हो गया है। इसमें हम डालेंगे धनिया का पत्ता, हम बनाएंगे सब्जी, हम डाला तेल, तेज पत्ता और नमक और ये है सब्जी और पचफोरन डाल दिया। बीसु में हम सारा चीज़ नैनम से ही पकाते हैं, उसमें प्याज लहसुन वो सब यूज़ नहीं होता है, तो सारा वेज आइटम ही पकाते हैं हम लोग। है मेरी बेबी सो रही है, ये सो रही है इसलिए मैं थोड़ा काम कर पा रही हूँ। तो अभी हम लामोर दो जो बोलते हैं, लामोर दो का मतलब है इस जो लोकेलिटी हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का जो देवता है उसको हम पूजन करेंगे आज। वैरायटी सब्जी और जो भी हम लोगों ने कड़ी बनाया है वो सब हम अर्पित करेंगे। आप देखते रहिए हमारा ब्लॉग, उसमें आपको पता चलेगा हमारा ट्रेडिशन में क्या है ये। और इस तरह हमने पैन डाल दिया, पैन बिठा दिया है, यहाँ पे हम फ्राई करेंगे, बैंगन फ्राई करेंगे। और ये है बैंगन और ये है फूल बोलते हैं, फूल का मतलब फ्लावर है। तो ऐसे इसमें बेसन से हम फ्राई करेंगे। ये बेसन में डाला हल्दी और जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे, पीस बना के बोकफुल के साथ यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डाला चावल, चावल का जो पेस्ट है वो डालेंगे। यह है बैंगन फ्राई और बफुल का फ्राई है, ये टू टाइप्स ऑफ फ्राई भी रेडी हो गया है। अभी हम ये पकौड़ा बना रहे हैं, फ्राई करना बाकी है, यह खत्म नहीं हुआ। और यहाँ पे अभी सोटे करेंगे दाल का, हम दाल को सोटे कर रहे हैं मूंग दाल को। हम ये लामोर दो को देंगे, ये देखिए ये पूरा रेडी हो गया है। यहाँ पे हमारा सब लोग यहाँ पे करते हैं ये पूजा, लामोर दो को प्रसाद देते हैं जो घर में पकाया है। ये सारा आइटम्स है, आज हमारे घर में 13 आइटम्स बनाया है वो सारा देंगे। उसमें आप पानी, दूध, इरा तंखा, पाना तंखा देंगे और धूप होगा, बोर्ती होगी। और उसके बाद घर घर जाके हम लोग जो भी बनाया था हम लोगों ने जो भी व्यंजन वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये देखिए हमारा भैया भी आ गए हैं लेके खाना।
जय दे ये देखिए कितना सारा आइटम्स लाया है भैया। तो ये है हमारा घर का आइटम्स, ये देखिए ये चिंचू है, ये बोकफूल का फ्राई, बैंगन फ्राई और आलू का एक वो बनाया है, आलू का मेदा बोलते हैं, फिर इधर हो गया दाल, ये काली दाल और ये सिंपल दाल, नीम पत्ता और ये है केरल का फ्राई और सब्जी और ये काली दाल का पकोड़ा है। तो ये सब आइटम हमारे घर में आज बना है, देखिए सरजित आई देखुने बा कितना जय।